तीस में जुटी टीम गहलोत का आज तूफानी प्रचार देखने को मिला है। गहलोत ने कांग्रेस उम्मीदवारों के समर्थन में तीन जनसभाएं की। जयपुर में लोकसभा उम्मीदवार ज्योति खंडेलवाल के समर्थन में जनसभा की, तो वहीं झुंझुनू में श्रवण कुमार के समर्थन में जनसभा की। वहीं बीकानेर के लूणकरणसर में कांग्रेस प्रत्याशी गोपाल मेघवाल के लिए वोट मांगे। जनसभा के दौरान टीम गहलोत ने बीजेपी और मोदी सरकार पर एक के बाद एक जमकर हमला बोला। मरुधरा में सियासी पारा अपने परवान पर है, नेता एक दूसरे पर हमला बोल रहे हैं। जयपुर में सीएम गहलोत ने जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पूरा राजस्थान चुनावी रंग में रंगा है। पार्टियां अपने अपने उम्मीदवार के प्रचार प्रसार में जुटी हैं और जनता से अपने पक्ष में वोट की अपील कर रही हैं। गुलाबी नगरी जयपुर में सीएम गहलोत ने जयपुर उम्मीदवार ज्योति खंडेलवाल के पक्ष में रैली की, जनता को संबोधित किया। इस दौरान अशोक गहलोत ने पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा। सीएम गहलोत ने पीएम मोदी पर जनता से झूठ बोलने और धोखा देने का आरोप लगाया। मोदी जी पूछो, आपकी सरकार में आपके बीजेपी के लोगों के आगे छापा पड़ा, वो क्या दूध के धुले हुए लोग हैं क्या? बीजेपी ने आरएसएस ने बड़े बड़े खड़ाव लगाए होंगे, दूध दूध भर करके उन्होंने डुबाया होगा नेताओं को, फिर निकाला होगा दूध से धुले हुए हैं। वहीं डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने कहा कि बीजेपी का विरोध राष्ट्र विरोध हो गया, ये चुनाव लोकतंत्र की आत्मा को बचाने का चुनाव है। हम सब लोग सवाल पूछते हैं तो कहते हैं आप राष्ट्र विरोधी हो, हम कैसे, आप किसान आत्महत्या कर रहा है, बिजली सड़क पानी की चिंता आपके जहन में नहीं है, नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा, तो कहते हैं ये सब राष्ट्र विरोधी है। भाजपा का विरोध करना मतलब राष्ट्र विरोध करना, ये गलत परिपाटी है, केंद्र की सरकार चला रही है। और तो और उम्मीदवार ज्योति खंडेलवाल ने भी बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की न्याय योजना कोई जुमला नहीं, राज्य सरकार ने जो वादा किया उसे पूरा किया। जयपुर शहर में उन्होंने अपनी वादे के अनुरूप लगातार वो जिस बात को कहते रहे कि आम कार्यकर्ता को मौका मिलेगा, महिला को मौका मिलेगा, युवा को मौका मिलेगा, उस बात को सार्थक करते हुए जयपुर शहर से मुझे आप सबके बीच में प्रत्याशी के रूप में उतरने का अवसर दिया है। गहलोत सरकार में मंत्री रघु शर्मा ने भी बीजेपी पर हमला करते हुए बहती गंगा में हाथ धो लिया। शर्मा ने कहा कि राजस्थान में कांग्रेस का माहौल है, जनता मोदी के जुमलों को याद कर रही है। ये बीजेपी वाले ये जुमलेबाज धोखेबाज, देश की जनता को इन्होंने धोखा दिया है। जयपुर में गरजते हुए अशोक गहलोत ने कहा कि मेट्रो, घाट के गुड़ी टनल, फ्लाईओवर कांग्रेस की देन है। वसुंधरा राजे ने सिर्फ चौराहों पर मूर्तियां लगवाई। इतना ही नहीं, सीएम ने कहा कि अगर यूपीए सरकार आई तो नोटबंदी की जांच कराई जाएगी। हमारे लोगों पर छापे डलवाए जा रहे हैं, अब जनता बीजेपी को सबक सिखाएगी। सुशांत पारेख, जी मीडिया, जयपुर।